नड्डा ने पूछा है कि 8000 शेयर इनके पास टाटा पावर के 121 रुपए के दाम पर, आज का स्टार परफॉर्मर भी है, कई सारे ट्रिगर्स भी हैं यहाँ पर, रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं, क्या करें इसमें? बिल्कुल बने रहे। टाटा को पावर ने पिछले कुछ ही महीनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। इसका जो 120 का लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पिछले दो हफ्तों में जब भी गिरावट आई 120 के यहीं से बाउंस बैक दिया, तो आई थिंक एक 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बने रह सकते हैं। आई थिंक 140 से 150 का लेवल्स इस स्टॉक में जल्दी देखने मिल सकता है। अच्छा, एक सवाल संदीप, वो होगा टाटा पावर, जैसे कि आशीष ने अभी भी जिक्र किया, काउंटर में एक फ्रेश ब्रेकआउट ट्रायंगल फॉर्मेशन से देखने मिल रहा है। यहाँ पे बायन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 132-135 के टारगेट के लिए टाटा पावर में खरीदारी करके चल सकते हैं। 122 के स्टॉप लॉस से पावर पर हो रहा है अच्छा एक्शन, वापस मोमेंटम में आया है। सुमित जी, राय दें, टाटा पावर कंसोलिडेशन के बाद फ्राइडे और आज मोमेंटम में है, 124 के लेवल्स पर क्या करना चाहिए? हिमांशु, स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और कंसोलिडेशन के बाद आज थोड़ा सा मार्केट खुलने के साथ एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। तो 124 का लेवल जैसे ही निकलेगा उसके बाद टाटा पावर के अंदर 128 से लेकर 130 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल पोजिशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। फ्रेश खरीदारी भी बनती है, नीचे में जो चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है टाटा पावर का, वो करीब करीब 120-121 के आसपास है, तो वो स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी बनता है 128-130 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, और आज शायद कंपनी की एजीएम भी है, दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली है टाटा पावर की एजीएम, तो नजर रखें, बट स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है। आइए चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास बिगुल चार्ट कॉर्नर। दीपांशु, स्टॉक वही है जिसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर में देखें तो 3 दिन से नैरो रेंज के अंदर ये स्टॉक करेक्ट कर रहा था, आज 3 दिन की नैरो रेंज से इसके अंदर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पर। तो टाटा पावर है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक, ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बुलिश पेनेंट पैटर्न यहां बनाए दीपांशु, जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, एक बहुत ही नैरो स्क्वीज होता है इस पैटर्न में और फिर इसका ब्रेकआउट आने के बाद आपको काफी फास्ट मूव देखने को मिलता है। तो इन स्तरों पर टाटा पावर पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रख लें 122 रुपए पर, 225 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 122 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 128 रुपए का, दूसरा टारगेट 132 रुपए का, तो 132 तक जाने की क्षमता दिखती है, बाय करके चलना है टाटा पावर। टाटा पावर में करें खरीदारी, यह है राय आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। 128 और 132 के टारगेट के लिए करनी है आपको तेजी।